बताता हूँ आपको, सुने बोले सुने, ये आपको भी है इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको बाय डिफॉल्ट है। आठ आठ घंटे बिठाता है आपको कुर्सी के ऊपर और लोगों की वो वाली प्रॉब्लम सुनाता है जो बार बार रिपीट होती है, इसमें सेटिस्फैक्शन आती नहीं है नवजोत। योर अटेंशन स्पैन इज फ्लिकरिंग लाइक दिस। ये सिर्फ और सिर्फ आपके वो डोप सेंटर्स हैं। आपको पता ना मैरुआना के एक कश के अंदर कितनी डोपामीन होती है, पूरी तफसील बता। और आपका डॉक्टर क्या कहेगा, और यार सर ना खा मेरा, तू ये बता हाथ लगा दर्द किधर हो रहा है, बस। कर रहा था ना, तो हमने एक रूल सेट कर लिया था, टेलीकॉम के तमाम चीफ ने रूल सेट कर लिया कि जो लम्स आईबीए और ये जो मेन स्ट्रीम एलीट है ना एलएससी, इनके लड़के लड़के हायर नहीं करते, पैक कर लो, वी आर नॉट गोना हायर देम। एंड आई वाज बिहाइंड दिस सिग्नेचर एज वेल कि हाँ ठीक है नहीं करेंगे। आप गेस करें क्या वजह हो सकती, ऐसा क्या करते हैं लम्स के बच्चे, आईबीए के बच्चे, एलीट स्कूल्स के बच्चे, क्या क्या बीमारी है उनको? नखरा, बहुत अच्छा लफ्ज है, नखरे की साइंस बताएं ना, डॉक्टर हैं आप, नखरा कहाँ से कहाँ है, क्या है जिसको नखरा कहते हैं हम, मेडिसिन में इसका एक लफ्ज है। ये फिनोमेना एक बीमारी के तौर पे मैनिफेस्ट करता है आपको, आपके सामने। जी मुझे समझ नहीं आ रही, नहीं 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 नहीं, कहीं से भी उनको इंफीरियोरिटी या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, नो नो नो, नॉट रियली। बताता हूँ आपको, सुने बोले सुने, ये आपको भी है इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको बाय डिफॉल्ट है कि वो इतने सारे इतनी ग्रेटिफिकेशन के, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के यूज टू हो चुके हुए होते हैं। आप भी यूज टू हो चुके हुए हैं, हर डॉक्टर हर मेडिकल स्कूल का बच्चा यूज टू होता है, बिकॉज वो जैसे ही मेडिकल स्कूल छोड़ता है ना रोज, ऑल ऑफ अ सडन वो नॉन मेडिकल स्कूल्स के लोगों के साथ अपनी कंपैरेटिव इंडेक्स रन करता है। ओके याद रखिएगा, ये फिलोमेना है हमारा। तो आपके साथ एक मसला आएगा जो कि अभी भी आ रहा होगा, आपके टीचर्स को नजर आ रहा होगा, दैट यू गाइस आर बर्निंग आउट टू सून इन योर ओन एक्टिविटीज। ये 10 साल पहले या पिछली नस्ल में ये नहीं था, दे वर ग्राइंडर्स ऑफ देयर बुक्स, जो आपके प्रोफेसर बैठे हुए, दे वर ग्राइंडर्स ऑफ देयर बुक्स। आपको घंटों में वो बर्न आउट आ रहा है जो सालों में आता था पिछली नस्ल में। ये बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से मुझे शक है कि जितनी तरक्की होनी थी हो चुकी है सर। अब एक नोज डाइव लगेगी, बुरी तरीके से क्लैमिटी आएगी, फिर कहीं जाके मेडिसिन इंडस्ट्री ऊपर जाएगी। ये एक स्पेकुलेशन सोशल साइंस में रन हो चुकी हुई है, सिर्फ मेडिसिन में नहीं हुई, मगर तीन जो इंडस्ट्री उन्होंने रन किए तीनों में नंबर टू पे मेडिसिन थी, कि हमने नीचे जाना ही जाना है, प्लमिट करेगी मेडिसिन अभी, फिर आउट ऑफ मजबूरी इनएविटेबिलिटी रीइन्वेंट करेगी अपने आप को, बिकॉज इतने ज्यादा आप लोग अंदर से खत्म हो चुके हैं बचपन की परवरिश की वजह से। आप डोपामिन डायलेटेड बच्चे हैं, आपके डोपामिन के सेंटर इतने डायलेट हो चुके हुए दैट यू गाइस आर नॉट इवन गोइंग टू बी एबल टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। यू नीड अ लॉट मोर सप्लाई ऑफ डोपामिन, जो कि इस वक्त की करंट इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स पिछले डोपामिन लेवल्स के ऊपर सेट हुए हुए थे, वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। आपके क्या बयान करूं, पेशेंट्स को भी आप जल्दी जल्दी में आगे निकालेंगे कि बस हो गया निकलो, ये असहमल ये मसला होगा। आप लोगों की एम्पथी के लेवल्स ड्रॉप हो जाएंगे, डोपामीन आपको पता है ना सेल्फिशनेस का केमिकल है, सिर्फ और सिर्फ मुझे कोई चीज मिलेगी तब मेरा डोपामीन सेटिस्फाई होगा, और पेशेंट आपको देने कुछ भी नहीं आया हुआ, पेशेंट अपनी अटेंशन के लिए आया हुआ। सो पे दर पे आप एक्सपायर करेंगे अपने आप को, और आपके तमाम तर मामला इस वजह से अफेक्ट हो रहे हो। सो इसकी खुदा की कसम थेरेपी है, वो करनी पड़ेगी आपको, और वो थेरेपी आपने नहीं करनी, वो आपको थेरेपी कोई ना कोई मजबूरी करवाएगी, या आपके पेशेंट्स करवाएंगे, या आपको आपकी हार्डशिप्स करवाएंगे। इसलिए आप ये नोटिस करें, ट्रेंड्स रन करें, ज़्यादातर डॉक्टर्स जो कि एक स्ट्रगल पीरियड गुजारने के बाद आफ्टर मेडिकल स्कूल फिर कहीं जाके वो लिफ्ट ले रहे हैं, वो स्ट्रगल पीरियड की जो टेल है ना वो बहुत लंबी हो गई। ये गौर से समझ लें, पहले से बताने आया हूं आप इतने ज्यादा, ये नखरे का लफ्ज है ना असल में एक बुरा लफ्ज है नखरा, बेसिकली नखरा नहीं है आपको, यू गाइज आर टू डायलेटेड, यू गाइज नीड अ लॉट मोर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ए सिंगल इवेंट, जो कि इवेंट के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ना पेशेंट के अंदर, ना पैसे के अंदर, ना इस प्रोफेशन के अंदर जनरली स्पीकिंग, क्योंकि टायरसम प्रोफेशन है।
आठ आठ घंटे बिठाता है आपको कुर्सी के ऊपर और लोगों की वो वाली प्रॉब्लम सुनाता है जो बार बार रिपीट होती है। इसमें सेटिस्फैक्शन आती नहीं है नवजोत, एक ही बार 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 आएगी। और आप क्या करेंगे, प्री कंसीव कंक्लूजन ड्रॉ करना शुरू कर देंगे, आधी जुमले में पूरी कंक्लूजन ड्रॉ करना शुरू कर देंगे कि हाँ तुम्हें भी वही है, तुम्हें वही ये आपका डोपामिन करवा रहा हो। एंड यू गाइस विल बी डेवास्टेटिंग द इंडस्ट्री रादर देन इम्प्रूविंग इट। ये मैंने लास्ट स्टडी 2018 में पढ़ी थी कि डॉक्टर्स हाउ डॉक्टर्स आर रूइनिंग इट। ये 2018 की बात बता रहा हूं, 5 साल पहले। और समझे इस बात को, मेरे अपने पिछली जनरेशन के डोपामिन लेवल के जो बेसिक थ्रेशोल्ड थे ना, वो 1.2 नैनोलीटर पर मिलीग्राम के ऊपर सेट हुए। और समझ लें ये नंबर्स, और सुनने मेरी तरफ देखें आखिरी दफा, इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा। 1.2 नैनोलीटर पर मिलीग्राम पे मेरी पिछली जनरेशन जो 60s में यूथ में थी, जो 80s में यूथ में थी ना, उनके एक पता कितने डोपामिन लेवल ऊपर चले गए थे, 1.2 से 7 समथिंग। जो 90s में यूथ में आई है बिकॉज टेक्नोलॉजी पूरी तरह फ्लरिश कर गई थी, 7 से ऑल ऑफ अ सडन आपके बेस थ्रेशोल्ड 35 नैनोलीटर पर मिलीग्राम पे चले गए। बेस आपकी, आप जो बच्चा पैदा हो रहा है ना इस वक्त, जो 4 साल का 5 साल का है, अंडर 7 कहते हैं इसको, इस वक्त जो 35 से अंडर 7 का बच्चा 412 नैनोलीटर पर मिलीग्राम थ्रेशोल्ड रखता है बगैर कुछ किए, क्योंकि आईपैड पे पला हुआ है वो, माइक्रोवेव और फास्ट कार्स, स्मार्ट स्क्रीन्स एंड व्हाट्सएप एंड यूट्यूब से पला हुआ है। उसको वो चीजें सेटिस्फाई नहीं कर सकती, वो गेन मिल नहीं सकता जो ह्यूमन इंटरेक्शन में आ सकता है, वो इतनी डोपामिन नहीं जनरेट करता। इसको इंस्टेंटली 412 नैनोलीटर चाहिए होते। और समझे किस लेवल की तबाही के धाने के ऊपर खड़े हम, ये आप लोगों के थ्रेशोल्ड बता रहा हूं मैं आपको, देख के मुझे समझ आ रही है कि योर प्यूपल्स आर डायलेटिंग बिकॉज ऑफ लाइक हो जाओ यार, योर अटेंशन स्पैन इज फ्लिकरिंग लाइक दिस। ये सिर्फ और सिर्फ आपके वो डोप सेंटर्स हैं। आपको पता ना मैरुआना के एक कश के अंदर कितनी डोपामीन होती है, सोचें जरा। मैरुआना का जो एक कश ले जाता है ना, और फेसबुक की जो एक लाइक आती है, एक जितनी डोपामीन है। आप पचला कितने बड़े चर्सी हम। और नवजोत, अगर कोई लड़की लाइक कर दे पूरा सिगरेट, समझ रहे हो, दैट्स द काइंड ऑफ डोपामिन दैट्स फ्लोइंग थ्रू अस, दैट्स व्हाई एक्सपेक्टेशंस आर लो। जो रियल ब्रेन डॉक्टर्स है ना, देर लाइक मेरा ख्याल है ट्रेन अपना आखिरी स्टेशन छोड़ चुकी है। आप लोगों को जिस लेवल में बेसब्री और चिड़चिड़ाहट, ग्रंपीनेस एज प्रोफेशनल डॉक्टर्स नहीं चाहिए, वो सारी गिफ्ट में मिल रही है। डोप एडिक्ट को क्या होता है, क्रैंकीनेस होती है, एक सेकंड में बंदा मार देंगे आपको, कि यार जल्दी बात करो, जल्दी खत्म, पॉइंट पे आओ। और पेशेंट के कहते पॉइंट पे आओ, क्या मतलब पॉइंट पे आओ, मैं आपको तकलीफ बताने आऊँ, जल्दी बताओ ना फिर क्या तकलीफ है, ये कहानी क्यों सुना रहे हो मुझे। ये वही डॉक्टर थे जो पिछली नस्ल में जो कहते थे लंबी बात करना जरूरी है ताकि मुझे तमाम तर डिटेल मिल सके। सुबह से बता खाना क्या खाया था, ये जो पेट में तेरे रात को दर्द हुआ है पूरी तफसील बता। और आपका डॉक्टर क्या कहेगा, और यार सर ना खा मेरा, तो ये बता हाथ लगा दर्द किधर हो रहा है, बस वैसे 3-4 चेकलिस्ट बनाई हुई होगी आप लोगों ने, ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी, ताकि जल्दी से गुजारो इस पेशेंट। मैं आपको छोटी सी रियल टाइम आपकी इंटरफेस बता, इसको इंटरफेसिंग कहते हैं ना, मैं आपको इसकी तफसील में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये 8 दिन की वर्कशॉप नहीं है डॉक्टर्स को इंप्रूव कैसे करना है। मगर एम्पथी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपामीन, एम्पथी इज व्हाट, ऑक्सीटोसिन। सेल्फिशनेस इज व्हाट, डोपामीन। आप ऑक्सीटोसिन ट्रेंड ही नहीं है, पाकिस्तानी कोई भी ऑक्सीटोसिन ट्रेंड नहीं होता। हमें रहम, कुर्बानी, इसार की ट्रेनिंग नहीं मिलती क्योंकि हम डॉलर वैल्यू लगा के प्रोफेशन में आते हैं। डॉलर वैल्यू आती है कितने ज़्यादा मेरे तरफ आ रहे हैं, रहम कुर्बानी होती है कितने किसको मेरे से कट के किसके पास जा रहे हैं, चाहे पैसे हो, चाहे वक्त हो, चाहे एफर्ट हो। सो बेसिक लीडरशिप डायग्राम के अंदर उन्होंने प्रॉपर डॉक्टर्स का प्लॉट कर दिया। आप तो
अलार्म के अलार्म बज रहे हैं। डॉक्टर बहुत जरूरी प्रोफेशन है ना, इसलिए बहुत टॉप नंबर टू पे इस वक्त आप लोग, कि भाई अगर ये तबाह हो रहे हैं तो पीछे क्या रह गया, वेयर एल्स आर वी गोना गो टू। इसलिए नहीं कि आप लोगों के पास छुरी है, नो नो नो, बिकॉज द ब्रेन दैट इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ डॉक्टर, यू हैड दैट ब्रेन। इफ द बिगर साइज ऑफ द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी इज गोइंग डाउन, तो आम से बेचारे नथु से क्या एक्सपेक्टेशन रखूं मैं। यू गैट हैड द आईक्यू टू अंडरस्टैंड कि ये गलत काम है, ऐसे ना करूं, अपने डिसिप्लिन में आऊं मैं वापस, अपने डायलेशन को खत्म करूं मैं, अपनी थेरेपी खुद करूं। यू हैड द ब्रेन टू डू दैट। इफ यू गैट नॉट वांट टू डू दैट, आम बंदे से तो बिल्कुल ही मतलब याजूज माजूज हो जाएंगे नीचे। तो दैट्स एन ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम नाउ, बिकॉज आपकी फील्ड के अंदर रेपिटिशन फैक्टर 90% प्लस है। एक ही कॉमन डिजीज आपके पास आएगी और आपके जितने भी इंटरफेस में पेशेंट्स आएंगे वो क्वालिफाइड ऑन एलोक्वेंस लेवल पे जीरो, उनको तो बताना ही नहीं आएगा कि उनका मसला क्या है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते। जब उनको बताना नहीं, आपका आई रेट फैक्टर ऊपर चला जाएगा, आपका आई रेट फैक्टर ऊपर जाएगा, तो आपकी कॉम्पिटेंस लेवल नीचे आ जाएगी। बेस मैथ्स बताइए आपको, आपके फेलियर्स, आप में सिर्फ वो लोग तरक्की कर रहे होंगे लिटरली जो कि लोकल लिंगो के अंदर और नेचुरल इंक्लिनेशन के अंदर पीपल ओरिएंटेड थे, बस और कोई स्किल नहीं है। पीपल ओरिएंटेड स्किल खुद ही बढ़ रही होगी, दैट्स इट। ये कहता है कोई टर्मिनोलॉजी नहीं तो नहीं लगी आपको मेरी ना, सबको पता है डोपामिन डायलेशन का ना, नहीं पता तो ज्यादा बड़ा मसला है ना। फिर अगर आपको नहीं पता तो फिर तो मैं जाके आईबीए में तो नहीं बोलूंगा डोपामिन डायलेशन के।